नमस्कार। बरेली में लव जिहाद के मामले में मंगलवार को किला थाने में जमकर बवाल हुआ। बिहिप और भाजपा नेताओं ने लड़की बरामदगी को लेकर थाने में जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने थाने के अंदर तोड़ फोड़ भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। थाने में तोड़फोड़ के बाद गुस्साई पुलिस ने भाजपा नेता और हिंदूवादी संगठनों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद भाजपा नेता और हिंदूवादी संगठनों को गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वहीं पुलिस लाठीचार्ज से खपा हिंदूवादी नेता किला थाने में ही धरने पर बैठ गए। वहीं भाजपाइयों पर लाठीचार्ज की जानकारी होते ही भाजपा के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के एम अरोरा, भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष उमेश कठेरिया, बिहिप अध्यक्ष पवन अरोरा थाने पहुँचे। लाठीचार्ज और कुर्सियों को फेंकने की ये वीडियो किला थाने की है, जहां मंगलवार को लव जिहाद को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने आरोपी को पकड़ने की मांग की और किला थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने थाने का घेराव करने पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद सभी नेता थाने में ही धरने पर बैठ गए। मामला तूल पकड़ता देख कई थानों की पुलिस को थाने में बुलाया गया, जिसके बाद किला थाने में एडीजी अविनाश चंद, डीआईजी राजेश कुमार पांडे, एसएसपी रोहित सिंह सजवान किला थाने पहुँचे। थाने के अंदर जय श्री राम के नारे लगे और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हाय हाय के नारे भी लगाए गए। ये मोबाइल से कर लेना भाई। बताइए क्या मामला है। विजुंदी परिषद के माध्यम से सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे और जिसकी सूचना यहाँ पे थानेदार को थी, लेकिन बिना किसी बात को सुने और समझे उन्होंने यहाँ लाठीचार्ज कार्यकर्ताओं पे कर दिया। हमारे लोग केवल इतनी सी मांग लेके आए थे कि यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई कर देगी तो एक बच्ची जो लव जिहाद में फंसाई गई है वो अपने घर वापस आ सकती है। लेकिन पुलिस की इस तरह की जो दोगली नीति है, मुझे लगता है कि वो इस प्रकार के जो घटनाएं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और किले थाने में जो मौजूद यहाँ के सिपाही हैं, अधिकारियों, उन्होंने बड़ी बर्बरता के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया है और कई लोगों के गंभीर चोटें भी आई हैं। कौन से संगठन के कार्यकर्ता? विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से यहाँ सारे लोग एकत्र हुए थे अपनी मांग को लेकर और लिखित में एक मांग पत्र भी लेके आए थे। आपका क्या नाम है, क्या पद है? उमेश कठेरिया, क्षेत्रीय मंत्री ब्रज क्षेत्र भाजपा। यदि पंजाबपुरा की जो बिटिया जो है एक मुस्लिम समुदाय का सुनियोजित तरीके से ले गया, उसमें चौकी इंचार्ज का बहुत बड़ा रोल था। चौकी इंचार्ज के पास वो बैठता था, सबको साथ मैंने बहुत निवेदन करा, थाना अध्यक्ष को कई बार समझाया किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कार्रवाई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसको केस को बिगाड़ते चले गए। उसको पूरा टाइम मिला, वो जाता गया आगे बढ़ता गया। यही इसके विपरीत कोई और समुदाय का होता तो वो उसके जिस तरीके की मैंने कार्रवाई बताई थी, अगर परिवार में दबाव बनाते तो निश्चित रूप से वो आ जाते। जब ये नहीं माने तो मेरे को मजबूरन होके सबसे अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करना पड़ा कि चल के हम थाने का घेराव करें। जब थाने का घेराव करें पागल है, तभी इनको समझ आएगा। और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है ज्ञापन देने आए थे यहाँ पर। जब ज्ञापन देने आए तो इन लोगों ने बहुत मिसबिहेव करा। विशेष रूप से जो यहाँ पे सीओ थे साद अली खान, उन्होंने अपने हाथ से अपने खुद गाड़ी चार्ज करा। जो निर्दोष हमारे कार्यकर्ता थे उनके बहुत कमजोर 7-8 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं और मोटरसाइकिलें स्कूटरें तोड़ी हैं। तो हमने जो बड़े अधिकारियों से बातचीत करी है उसमें उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनको सस्पेंड करेंगे और सीओ के खिलाफ शासन को लिखा जाएगा, क्योंकि वह कायम के अधिकारी है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और जो है इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। और उस मीडिया को हमको हर हालत में आज इस डेट में हमको समाप्त किया जाएगा। छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी बीएससी में पढ़ती है और कंप्यूटर की कोचिंग जाती है। 17 अक्टूबर को उनकी बेटी कोचिंग से वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद पता चला कि लड़की बिलाल नाम के लड़के के साथ कहीं चली गई है। छात्रा के पिता का आरोप है कि वह तो समझते थे कि लड़का हिंदू होगा क्योंकि उसके माथे पर टीका लगा हुआ है, लेकिन अब जाकर उन्हें पता चला कि वो मुस्लिम है। छात्रा के पिता ने बेटी पर
8 लाख रुपए और सोने की चैन ले जाने का भी आरोप लगाया है। मेरी लड़की कोचिंग के लिए गई हुई थी जो कि BSc सेकेंड ईयर में पढ़ती है होम साइंस। उसके बाद जो है वो लड़की स्कूटी लेके जब घर से निकली थी तो स्कूटी किसी जानने वाले को मेरे जानने वाले के पास छोड़ के चली गई थी। उसने मुझे जब फ़ोन करा कि आपकी लड़की स्कूटी दे गई है, आप स्कूटी ले जाओ आके, तो मैं जब स्कूटी लेने गया तब मुझे वहाँ पता लगा कि किसी लड़के के साथ वो गई है, किसी लड़के के साथ वो गई है। और वो लड़का जो है, मुझे जब पता मैंने करा तो पता लगा कि वो लड़का मुसलमान है, मुस्लिम। और जबकि वो लड़का टीका उका लगाता था, उसके साथ में जो और भी मुस्लिम लड़के हैं वो भी सब पंडित बन के रहते थे कि जैसे हम पंडित हैं, पंडित अपने आप को दर्शाते थे। तो जो लव जिहाद वाला मामला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको अपनाते हुए इन लोगों ने मेरी लड़की को फंसा कर और बहला फुसला कर अपने साथ ले गए हैं, जिसमें मेरी लड़की अपने साथ में 8 लाख रुपए और 3 तोले की एक चैन भी लेके गई है। मुझे आशंका यह है कि पैसों की लालच में ये लोग इसकी हत्या ना कर दें, क्योंकि मुझे भी इसका बात को पता लगा कि यह लड़का मुस्लिम है। क्या करता था, कैसे पता चला आपको ये, मतलब क्या लगाते थे लोग टीका के अलावा कुछ, कोई बात होता है? पता ऐसा चला कि लोगों से जब मैंने मालूमात करी तो उन्होंने एक आध लड़का कोई मिला था मुझे जानने ही वाला, उसने मुझे कुछ उसकी शक्ल का आइडिया दिया कि इस तरीके का लड़का है और गुलाम नगर घोसी वाली मस्जिद के पास रहता है। तो फिर मैंने जाके वहाँ पर मालूम करा तो पता चला कि वो लड़का बिलाल घोसी नाम का है कोई लड़का। तब मैंने उसके घर पर जाके पता करा तो पता लगा कि वो भी अपने घर पर मौजूद नहीं है। और जब उसके मेरे बाप से बात हुई, उसके चाचा से मेरे बात हुई, तब उन्होंने भी ये बताया कि हाँ इसी टाइम पर वो भी घर से फरार है। तब मुझे ये पता लगा कि वो लड़का मुसलमान है। हाँ, कलाबा वगैरह टीका वगैरह लगा के ऐसे घूमता था जैसे कि किसी ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ हो। हाँ, बेटी के साथ मुझे अनहोनी की आशंका यह है कि वो किसी भी तरीके से उसे बहला फुसला के, उस पर तमंचा वमंचा लगा के किसी भी तरीके का उससे बयान दिलवा सकता है। अब और वीडियो जो वायरल करा गया है वो उनने तमंचा लगा के या उसे डरा धमका के वीडियो वायरल कराया है, क्योंकि उसके चेहरे से साफ झलक रहा है कि वो उस पर दबाव बनाया गया है। और जब लड़की उसके साथ में है और मतलब वो 4-5 मुसलमान लड़के साथ में हैं उसके दोस्त, तो ये जाहिर सी बात है कि क्या कहना, कोई भी लड़की हो वो आराम से डर जाएगी और जैसा उससे कहलवाना चाहेंगे वो वैसा ही कहेगी। 4-5 लड़के हाँ, इसमें जो है क्या कहना, एक दो हिंदू लड़के भी हैं जिनका नाम शिवम शर्मा है, और मोमडनों में जो है दाऊद नाम का लड़का है, सलमान नाम का लड़का है, असलम नाम का लड़का है, जिन्होंने इन सब ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। जब इसकी तहकीकात मैंने गुलाम नगर जाके करी, भागा दौड़ी करी, तब मुझे ये सब जानकारी मालूम हुई। वहीं इस बीच छात्रा ने अपना वीडियो वायरल करके कहा है कि वह बालिक है और अपनी मर्जी से बिलाल के साथ गई है, इसमें बिलाल के परिवार का कोई दोष नहीं है। मम्मी पापा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बिलाल से अपनी मर्जी से शादी करी है, तो उसके घर वालों को और किसी को भी परेशान न करे और उनको छुड़वा दे। मेरी बरेली के कप्तान से ये गुजारिश है कि उनके मम्मी पापा को आप छोड़ दें और कोई भी केस ना बनाए, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से आए और हम लोगों ने अब शादी भी कर ली है। ऐसे अपनी मर्जी से मम्मी पापा, मैं बिलाल के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ, उसके घर वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए आप उन लोगों को छुड़वा दें। मेरी बरेली के कप्तान से ये गुजारिश है, SPCD से ये गुजारिश है कि उनके घर वालों को आप लोग छोड़ दें, क्योंकि मैं बालिग हो चुकी हूँ और ये मेरा आधार कार्ड है जिसके हिसाब से मैं बालिग हूँ, आप देख सकते हैं, और मैंने उनसे अपनी मर्जी से शादी की है और हम लोग अब शादी कर चुके हैं। वहीं इस मामले में ADG, DIG, SSP के साथ काफ़ी देर तक भाजपा विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोरा, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष उमेश कठेरिया, BHP के नेताओं के साथ काफ़ी देर तक बातचीत हुई है। बातचीत के बाद अधिकारियों ने बताया कि इंस्पेक्टर सतीश यादव, चौकी इंचार्ज और सिपाहियों को निलंबित किया गया। ADG अविनाश चंद ने बताया कि एक लड़की को दूसरे समुदाय का लड़का ले गया है, जिस मामले में किला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही लड़की को बरामद कर लिया जाएगा।
कुछ लोगों ने थाने का घेराव किया और फिर कुर्सियां फेंकी, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। देखें इंडिया पावर न्यूज की खास रिपोर्ट। थाना किला में कुछ लोगों के द्वारा कुर्सियों पर तोड़फोड़ की गई थी, जिसका वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ। इसमें 6 लोगों को चिन्हित कर 6 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और उनके ऊपर 147, 332 लोक क्षति निवारण संपत्ति अधिनियम और साथ ही साथ महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। जो लोग हैं आइडेंटिफाई किए गए, वो बीजेपी के हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं, कोई ऐसे बाहर के उपद्रवी तत्व थे जो लोग वहां घुसाए उस भीड़ में? नहीं, वीडियो में स्पष्ट है उसमें 6 लोग कुर्सियां तोड़ रहे हैं, तो उन 6 के ऊपर नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया, बाकी उनसे पूछताछ करके और जो धाराएं हैं उनके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो हमने नामजद उसमें किए हैं, उनको पहचाना गया है और बाकी उसके पहचान करके अभी जो कार्रवाई हमने की है उसके बाद अभी विवेचना चल रही है, उसके आधार पर फिर और आगे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इस पूरे प्रकरण में SPRA को जांच दे दी गई है, वो जांच पूरे प्रकरण की कर रहे हैं।